दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान डेथ और टैक्स से नहीं बच सकता। आज ही नहीं, पहले के टाइम पर भी टैक्स लिया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों से टैक्स लेबर, क्रॉप्स या एनिमल्स के फॉर्म में लिया जाता था। एंड फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल कवर अप द फॉलोइंग टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ टैक्स, देन सेस एंड सरचार्ज, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इनकम, एंड इनकम की डेफिनेशन के साथ साथ हम इसमें एक केस भी पढ़ेंगे, सीआईटी वर्सेस जीआर कार्तिकेयन का। केस जो है इनकम की डेफिनेशन के क्लोज 9 पर बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसेप्ट ऑफ टैक्स। दोस्तों, किसी भी एक्ट को समझने से पहले हमें उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पहले समझना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव पर्सन्स की इनकम पर डायरेक्टली टैक्स लगाकर रेवेन्यू को जनरेट करना है, और उस रेवेन्यू से पब्लिक के जितने खर्चे होते हैं उनको पूरा करती है सरकार। एक पर्सन जिसने अपनी इनकम अर्न की हो सैलरी से या बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन्स, हाउस रेंट इनकम या एनी अदर सोर्स से कोई भी इनकम उसने अर्न की हो, तो उस पर डायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है। वो टैक्स वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। और दोस्तों, ये जो हेड्स हमने पढ़े हैं, सैलरी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, हाउस रेंट इनकम, एनी अदर सोर्स, इनको हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो टैक्स पेयर इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडोनल्ड्स गए और वहाँ पर आपने एक बर्गर लिया जिसकी कीमत 150 रुपये थी, 150 रुपीज़, और उस पर 20 रुपये उसमें टैक्स इंक्लूडेड था। तो मैकडोनल्ड्स ने आपसे 20 रुपये भी वो टैक्स का जो लिया है, वो मैकडोनल्ड्स फर्दर आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से जो टैक्स है आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना देते हुए इनडायरेक्टली दिया, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे लेवाई कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री 82 वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेवाई कर सकती है किसी भी इनकम पर सिवाय एग्रीकल्चर इनकम के। और आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी टैक्स तब तक लेवाई नहीं किया जा सकता जब तक उसे लॉ द्वारा ऑथराइज ना किया गया हो। मीन्स नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड इन इंडिया अनलेस इट इज क्लियरली ऑथराइज्ड बाय ए वे ऑफ लेजिस्लेशन। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इनेक्ट किया गया ताकि पर्सन्स की इनकम पर टैक्स कलेक्ट किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो ये कहता है कि हर उस पर्सन की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से। सेक्शन 4 में एक वर्ड यूज किया गया है, पर्सन। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर पर्सन का क्या मतलब है। पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लोज 31 में, जो इंक्लूड करता है एन इंडिविजुअल, एन HUF, ए कंपनी, ए फर्म, एन AOP और ए BOI, ए लोकल अथॉरिटी एंड एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आई होप आपको इन सब का मीनिंग क्लियर होगा कि इंडिविजुअल कौन होता है, HUF कंपनी, फर्म, AOP, BOI कौन होते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन करना वीडियो को लेंथी बनाएगा। बात करते हैं सेस और सरचार्ज के बारे में। सेस क्या होता है? आर्टिकल 270 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है सेस को। सेस एक तरह का टैक्स या एक फी होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए इम्पोज की जाती है। सेस को पे करना कंपलसरी होता है, कंपल्सरली हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है सेस, और ये सेस यूटिलाइज होता है पब्लिक पर्पज के लिए। सेस के एग्जांपल्स में जैसे हम बात करें, एजुकेशन सेस हो गया, रोड सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। सेस को जिस पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है उसी पर्पज पर ही स्पेंड करना होता है गवर्नमेंट को। कैन बी स्पेंट फॉर दिस स्पेसिफाइड पर्पज ओनली। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये कंपलसरी होता है पे करना, चाहे किसी का थोड़ा इनकम टैक्स बन रहा हो या ज्यादा बन रहा हो, सबको ही सेस देना होगा। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। आर्टिकल 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंटर को जब भी लगे वो इंक्रीज कर सकता है टैक्सेस को एक सरचार्ज के रूप में, और वो सरचार्ज जो है वो उन पर अप्लाई होगा जिनकी हायर इनकम होगी। मतलब सेस जो है वो सबको कंपलसरली पे करना है, लेकिन सरचार्ज सबको पे नहीं करना। सरचार्ज अप्लाई होता है उन्हीं टैक्स पेयर्स पर जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। सरचार्ज के रूप में जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है उस अमाउंट को गवर्नमेंट एक नॉर्मल टैक्स वाले अमाउंट की तरह स्पेंड कर सकती है।
अब हम आते हैं इनकम की डेफिनेशन पर, जो कि सेक्शन 2 क्लोज 24 में डिफाइंड है। दोस्तों, इनकम की जो डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, ये मैंने पूरी नहीं लिखी। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा, वो मैंने लिखे हैं। डायरेक्ट से आप पूरी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट, एनी स्पेशल अलाउंसेज और बेनिफिट, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एसएससी इधर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेज, कैपिटल गेन्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 45, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, एंड ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससीज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड। डेफिनेशन जो इनकम की हमने पढ़ी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने वाले ये हैं कि ये जो डेफिनेशन है इनकम की, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिसीप्ट्स को इनकम के रूप में कंसीडर करती है। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मींस ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिसीप्ट इस डेफिनेशन के क्लोजेस में लाई ना करती हो, बट स्टिल उसको इनकम कंसीडर किया जा सकता है। जो वर्ड इनकम है, इसका वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये अब हम एक केस लो डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस जो है सीआईटी वर्सेस जीआर कार्तिकेयन का केस है। उससे भी पहले आप दोबारा से डेफिनेशन के पॉइंट 9 को पढ़िए, जो कहता है कि एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। क्लोज ही कहता है कि अगर कोई पर्सन लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेसेस से या फिर हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स या अदर गेम्स से कोई भी अर्निंग करता है, तो वो अर्निंग उसकी इनकम कंसीडर की जाएगी। इस केस के अब फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इस केस में एक एसएससी जो पार्टिसिपेट करता है कार रैली जो कि एक कॉन्टेस्ट होता है, रेस नहीं होती, तो वो प्राइज जीत जाता है। कोर्ट के सामने जो इशू अराइज होता है वो यही कि क्या ये जो कार रैली से प्राइज मनी अर्न की है एसएससी ने, उसको हम इनकम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि एसएससी यहाँ पर ये कहता है कि ये जो कार रैली थी ये रेस नहीं थी, ये एक कॉन्टेस्ट था, इसमें आपके स्किल्स और एंड्योरेंस का टेस्ट किया जाता है। अगर ये रेस होती तो ही ये इनकम कंसीडर की जाती और टैक्सेबल होती। ये तो रेस ही नहीं है, ये तो कॉन्टेस्ट है। इस केस के डिसीजन की अब हम बात करते हैं। इस केस में एपेक्स कोर्ट अपना ये डिसीजन सुनाती है कि रिसीट्स ऑफ कैजुअल नेचर, कैजुअल नेचर मीन्स ऐसी रिसीट्स जो आप रेगुलर एक्टिविटी से अर्न नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में प्राइज है, वो एक कैजुअल रिसीट है। कोर्ट ये कहता है कि जो भी रिसीट्स कैजुअल नेचर की होंगी वो एग्जम्प्ट सिर्फ 1972 टू 73 वाले असेसमेंट ईयर तक ही एग्जम्प्ट हुआ करती थी। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट 1972 आया तो उसने इनकम के कंसेप्ट को एनलार्ज कर दिया, बढ़ा दिया, और अब एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी इनकम कंसिडर की जाएगी टैक्स पर्पज के लिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड्स अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट जो क्लोज 9 ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इनकम में मेंशन है, इन वर्ड्स का वाइड एम्पलीट्यूड है और ये गैम्बलिंग नेचर तक की गेम्स तक के लिए ही लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा जो वर्ड है विनिंग्स, विनिंग्स वर्ड से मतलब होता है गैम्बलिंग और बैटिंग नेचर वाले एक्टिविटीज से होने वाली रिसीट्स। लेकिन कोर्ट ने कहा कि विनिंग्स वर्ड से आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि नॉन गैम्बलिंग और नॉन बैटिंग वाली एक्टिविटीज इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नॉन गैम्बलिंग और नॉन बैटिंग एक्टिविटीज से हुई अर्निंग्स का ट्रीटमेंट जो होगा, टैक्स ट्रीटमेंट जो होगा, वो अलग तरीके से किया जा सकता है। सेसी ने इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एंटर किया इसे जीतने के लिए, और उसके स्किल और एंड्योरेंस के बदले में उसे कुछ ना कुछ अर्निंग तो हुई है, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर वाइडेस्ट सेंस में देखते हुए उस अर्निंग को इनकम किया। और इस केस के डिसीजन के लिए जो भी प्रेसिडेंट्स देखे गए, जो पुराने केसेस देखे गए, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ें, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इस केस से रिलेटेड, तो आप ये प्रेसिडेंट्स जरूर डालें।